Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tense. Student, आपको पता ही होगा कि मैं आपके tense start करा दिए और इससे पहले मैं आपके already 7 part upload कर चुका हूँ. ये आपका part number 8 है और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. क्लास स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट की वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके. ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो स्टूडेंट अगर हम कोई भी काम करें सबसे पहले समझो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका मीन्स क्या है. तो जब हम हेडिंग्स को समझ लेंगे किसके बारे में बात की जा रही है तो हम आसानी समझ लेते हैं. जैसे यहाँ बताया गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट. पास्ट आप जानते हैं भूतकाल होता है, परफेक्ट मीन्स होता है जो काम आपका डन हो चुका है, और कंटिन्यूस मीन्स होता है जारी होना. कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, जारी होना. और पास्ट यानी कोई ऐसा कार्य है जो आपका पहले से बीते हुए समय में जारी था. लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं ओनली तो वहाँ पर आपका टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा इसमें टाइम दिया जाता है. इस टेंस के जो जिनका हम हिंदी मीन्स निकालते हैं, हिंदी में जब उनका उच्चारण करते हैं तो उस टेंस के अंत में स्टूडेंट आपका रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द ये आपको हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है इसमें स्टूडेंट. कार भी दिया जाएगा स्टूडेंट और एक्शन जो हम कर रहे थे उसका आपको टाइम भी दिया जाता है. टाइम को दिखाने के लिए स्टूडेंट हम इसमें दो ये आपके प्रपोजिशन गए हैं इनका यूज करते हैं. एक होता है आपका सिंस और एक होता है स्टूडेंट आपका फॉर. जो स्टूडेंट हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं हम निश्चित टाइम यानी डेफिनेट टाइम के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं स्टूडेंट. जैसे कि आपका बोल दिया है सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1918. तो इस तरीके से आप कोई भी जो फिक्स टाइम दिखाना हो उसके लिए निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं. और अनडिफाइंड टाइम है यानी केवल हम यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट आपका फॉर का यूज़ करते हैं केवल पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन के लिए कि कोई काम कितने समय के लिए दिखाया गया है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 1 month, फॉर 2 hour. तो यहाँ इस तरीके से आपको समझना है स्टूडेंट. तो यही आपको ध्यान रखना है कि हमारा इसके लास्ट में हमें देखने को क्या मिलता है आपको, रहा था, रही थी या रहे थे. इस तरीके से सिंस फॉर का यूज़ करना है अगर आपके टाइम के बारे में मैनेज दिया गया और नहीं दिया गया तो हमें सिंस फॉर का स्टूडेंट यूज़ नहीं करना होता. अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स में, सब्जेक्ट उसके बाद हैड बीन और बी फॉर यानी जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट. जब हम ING बना देते हैं तो उसको हम बी फॉर कॉल करते हैं. तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि अगर आपका टाइम दिया गया है तो वहाँ पर हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे. अगर नहीं दिया गया तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप सिंस फॉर का यूज़ करो. अगर टाइम के बारे में बात की जाए, टाइम दिया जाए तो वहाँ पर हम सिंस फॉर का यूज़ करना है, नहीं अन्यथा आपको नहीं करना है. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट हम इसमें. वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, इसका मीन्स क्या निकालेंगे. वी मीन्स ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका हैड बीन इसकी आपकी वर्ब यूज़ की गई और ING वाली फॉर्म है इसका, ये बी फॉर है और ये आपका स्टूडेंट बाकी आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सिंस, ये हमारा क्या है टाइम के बारे में बता रहा है, एक फिक्स टाइम के बारे में बता रहा है. ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे 7 दिन होते हैं, अब 7 दिन के अलावा कोई मंडे होता हो, ऐसा तो नहीं है. क्योंकि इस मंडे है तो फिक्स टाइम बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया है. तो बी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, इसका मीन्स हो गया कि हम स्कूल कब से जा रहे थे स्टूडेंट, हम मंडे से जा रहे थे स्कूल. तो यहाँ आपने क्या देखा लास्ट में क्या आ रहा है, रहे थे, हम सोमवार से स्कूल को जा रहे थे. सेकंड एग्जांपल आपका स्टूडेंट, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock. तो यहाँ स्टूडेंट जो 2 है ये भी आपका एक फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया है कि राम क्या था, वो 2 बजे से टीवी देख रहा था. नेक्स्ट आपका स्टूडेंट, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 2 hours. यहाँ ये मैनेज नहीं किया गया कि आप कौन से यानी कि वे आपका इंतजार कब कर रहे थे, कौन से 2 घंटे से, ये मैनेज नहीं किया. ये बताया गया स्टूडेंट कि वे आपका 2 घंटे से वेट कर रहे थे, तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है. नेक्स्ट बोला बताया गया स्टूडेंट आपका नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक और आपके प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं स्टूडेंट,
उनका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेड है, और हेड जो आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट कंटिन्यूअस की, हेड वीन है। तो हेड और वीन के बीच में हम आपकी नॉट को रखेंगे, उसके बाद बी फोर यानी कि आई एन जी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और अगर आपका टाइम दिया गया है तो स्टूडेंट हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। जब बात आएगी आपकी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक की, तो वहाँ पर हम हेड सबसे पहले ले आएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, या हम क्या करेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट के बीच में रखेंगे आपके इंट्रोगेटिव में, आपके सब्जेक्ट को हम हेड और बीन के बीच में रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बी फोर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट आपका, प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज और आपके क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया स्टूडेंट आपका कि ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, कि वह उसका सुबह से इंतजार कर रही थी। यहाँ फिक्स टाइम दिया गया स्टूडेंट आपका, मॉर्निंग की बात की गई है तो मॉर्निंग सुबह ही होती है और एक फिक्स टाइम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट, तो मैंने बताया है कि जो आपका नॉट है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखते हैं, यानी हैड और बीन के बीच में आपके नॉट को रखेंगे। तो स्टूडेंट आपका ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, वह उसका सुबह से इंतजार नहीं कर रही थी, इसका सेंस ये निकलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि लास्ट में रहा था, रही थी, इस तरीके से आपको लास्ट में देखने को मिलता है। इसका अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो यहाँ निकला इसका स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव बनाया हमने तो हम हेड और बीन के बीच में आपके सब्जेक्ट को रखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद जैसा का आपका सेंटेंस दिया गया है उसको हम जो कहते हो उतार देते और आपकी क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। कि जैसे हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, क्या वो उसका सुबह से इंतजार नहीं कर रही थी, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना है। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको अफर्मेटिव दिया गया कि आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर फॉर टू आवर, मैं उसको दो घंटे से क्या है कॉन्टैक्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर फॉर टू आवर, मैं उसको दो घंटे से फोन नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव बनेगा स्टूडेंट आपका, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमको सब्जेक्ट को रखना है, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर हमको नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखना होता है। तो हैड आई बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर फॉर टू आवर, मैं उसको दो घंटे से कॉल कर रहा था, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि आपका प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसमें स्टूडेंट हम जब आपका यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव बनाया था, तो इंट्रोगेटिव में क्या कर रहे थे स्टूडेंट, हम वहाँ इंट्रोगेटिव में आपके केवल सब्जेक्ट को बीच में रखते, लेकिन यहाँ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत जस्ट बाद हम उसके नॉट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद हम आपके बी फॉर यानी आपकी जीरेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म होती है इसकी हेड एंड, यानी एक बार में अगर हम हेड वी नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर हेड एंड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम स्टूडेंट यहाँ पर बीन को रखें, क्योंकि हमारा नॉट गया है इसके आगे चला गया साथ में, उसके बाद आप बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर टाइम दिया गया तो हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे, और टाइम मैंने दिया तो उस टाइम को लिखने के बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ आपका बनाया गया है अफर्मेटिव, आई हैड बीन फ्लाइंग किट सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से क्या है आपकी पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट, तो आप पहले सब्जेक्ट यानी आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपके नॉट को, और आपकी जो वीन बचता है इसमें हेल्पिंग वर्ब उसको रखेंगे, और बाकी जैसे का आपका जो कुछ हम सेंटेंस को उतार देते हैं स्टूडेंट। फ्लाइंग कैट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा था, ठीक है। अब मैंने बताया था इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखें अगर हम हेड एंड, तो हमने यहाँ हेड के साथ स्टूडेंट आपके नॉट को मैनेज कर दिया है, तो हमें दोबारा नॉट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम जैसे स्वयं जैसे पहले बना रहे थे इंट्रोगेटिव, वैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट और आपके बीन ऑफ फ्लाइंग किट्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। वी एग्जाम्पल में बताया गया कि सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, कि वह मेरा एक घंटे से इंतजार कर रही थी। इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम नॉट और आपकी वीन आई एन जी फॉर्म, और अगर टाइम दिया गया तो उसके बाद हम फॉर यूज़ करते हैं। ये फॉर, ये तो आपका यहाँ पर पोजीशन यूज़ किया है, फॉर मी यानी मेरे लिए,
ठीक है, कि वो मेरे लिए इंतजार एक घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक है, क्या वो मेरा एक घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म से बनाया है इसमें, नॉट नहीं लगाना, सब्जेक्ट आई एन जी फॉर्म, और यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है, और ये आपको फॉर, यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉर टाइम के लिए, और आपके क्वेश्चन टैग का यूज़ करना होता है स्टूडेंट, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये तो थे स्टूडेंट आपके जनरली रूल जो हम आपके टेंथ में सीखते हैं, बट हम तैयारी किसकी करेंगे स्टूडेंट, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कंपटीशन के लेवल से भी हमको पढ़ना होता है। तो जो आपके मेन पॉइंट होते हैं उनको मैं रूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। और फर्स्ट रूल आपका स्टूडेंट कि जब हम डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम नैरेशन की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में होती है स्टूडेंट, आपकी फास्ट फॉर्म में होती है, ठीक है, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका प्रेजेंट आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं स्टूडेंट, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, डायरेक्ट में बताया गया है कि सीता सैड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई हैव बीन वेटिंग टीवी सॉरी वॉचिंग टीवी फॉर टू आवर्स इन्वाइटेड कॉमा वन और फुल स्टॉप। सीता ने कहा कि वो आई माने मैं दो घंटे से आपकी टीवी देख रहा हूँ। तो ये इसी चीज़ को स्टूडेंट्स ने इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, ये जो आपकी हैव बीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हैड बीन में आपकी स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाती है। इनडायरेक्ट नरेशन में इसका बनाया है तो यहाँ बताएगा कि सीता सैड, सीता ने कहा दैट सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर टू आवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या किया स्टूडेंट, हम आपका दैट यहाँ पर कंजक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद सी हैड बीन, तो यहाँ ये आपकी नाम से हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्टूडेंट आपके सी का यूज़ किया है, सी हैड बीन वॉचिंग टीवी के वो दो घंटे से इंतजार सॉरी टीवी देख रही थी, यानी रहा था कि आपका उसने बोला है कि सीता क्या है कि आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर मैं एक घंटे सॉरी मैं दो घंटे से टीवी देख रहा हूँ, उसने बता दिया कि वो दो घंटे से टीवी देख रही थी स्टूडेंट, इस तरीके से। सेकंड बताया गया स्टूडेंट, रूल नंबर सेकंड में बताया गया आपका कि जब हम डायरेक्ट स्पीच में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है स्टूडेंट, आपके आपके पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि जो आपका टेंस दिया है वो किस में दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका पास्ट कंटिन्यूस में अगर आपका सेंटेंस दिया गया है तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे यहाँ बताया गया है कि मिस्टर सुरेंद्र सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी, तो मिस्टर सुरेंद्र कह रहे हैं कि तुम मुझको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ बनाएंगे मिस्टर सुरेंद्र टोल्ड, ठीक है, सेड का हमने टोल्ड कर दिया स्टूडेंट कि मी दैट, ठीक है, आई हैड बीन ट्राइंग टू डिस्टर्ब हिम, कि मैं उसको कौन कह रहा है, ये यहाँ यू की बात की जा रही है, इसमें यू कह रहा है कि वो मिस्टर सुरेंद्र ने मुझसे कहा कि कौन मैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ रहा का आपने रहा था हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रूल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट दिया गया है, रूल नंबर थर्ड में आपको बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब हम पास्ट परफेक्ट के हम रिपोर्टेड आपकी रिपीटेड जो कोई भी एक्शन होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में व्यक्त करते हैं, इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ही हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टैक्ट हर, ये यहाँ उसने बताया है कि वह उसको 5 times कॉल करने की कोशिश कर चुका था, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम आपको बताना हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या स्टूडेंट उसने रिपीटेड किया यानी उसने 5 times उसको कॉल करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसका हम इसको रिपीटेड एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमें से बताना हो तो ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, यानी कि उसने उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मतलब रहा था में क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं उसने एक बार रहा था, मतलब कोशिश उसने कई बार की होगी। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, उसने रिपीटेड जो एक्शन था उसको पास्ट परफेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका कि ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गॉट जॉब देयर, कि उसने यहाँ पर जॉब पाने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बताना चाहेंगे वो क्या कर चुका था, ठीक है, कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गॉट गेटिंग द जॉब देयर, ठीक है, यहाँ पर ट्राइंग टू गेट द जॉब देयर, इसका मीन्स ये होगा स्टूडेंट, वो कह रहा था कि अभी तो ये उसने ये बोला है कि वो यहाँ पर कोशिश कर चुका था, कोशिश एक बार तो की नहीं कई बार कोशिश की,
तो यही उसने बता दिया कि वो यहाँ पर जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि हमने रिपीटेड जो एक्शन था उसको हम पास्ट परफेक्ट से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको चेंज कर देते हैं। और ये है आज की वीडियो का लास्ट रूल स्टूडेंट, आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना आप जरूर। यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं स्टूडेंट जो पास्ट के समय आपके पॉइंट ऑफ टाइम की अवधि या हम पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे, यानी कोई भी वर्क है स्टूडेंट आपका और जो क्या है वो एक तरीके से हम कहें किसी भी ड्यूरेशन से या एक फिक्स टाइम से क्या है आपकी स्टार्ट थे और अभी तक चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ उसने बताया कि ही हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे, कि वह क्या है अभी इसका मीन्स अगर हम निकालोगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट, कि वह आपके मंडे से काम कर रहा था। इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मीन्स ये हुआ कि वह अभी तक भी काम आपका जारी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका काम जारी है, तो ये उसको बारे में हमें बता रहा है। सी हैड बीन वेटिंग फॉर एम फॉर 2 आवर, वह उसका 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, वह उसका इंतजार कर रही थी, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे 2 घंटे हुए तभी, वो 2 घंटे से पहले भी आपका इंतजार कर रही थी। तो यहाँ उसने यही बताया स्टूडेंट कि जो भी एक्शन है वो क्या है आपकी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हमें बता रहा है, जो एक समय से आपकी फिक्स मंडे से क्या है आपका स्टूडेंट या काम चालू है या 2 घंटे से वो उसका वेट कर रही है, ठीक है। यहाँ आई हैड बीन फ्लाइंग किड्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ सिंस यानी मॉर्निंग से क्या हो आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। वी हैड बीन फ्लाइंग क्रिकेट, सॉरी वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर, तो यहाँ बता रहा है कि हम 3 घंटे से क्या है स्टूडेंट आपकी क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट आपका काम क्या है आपका रेगुलर चल रहा है जारी है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है आपके टाइम एक्सप्रेशन आमने वर्ड जैसे बता रहा है फॉर 3 घंटे से, यहाँ पर आपका सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर किया है। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं उसकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.